हेलो एवरीवन, तो आज है वेंसडे और आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ वर्किंग डे पे मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन कैसा होता है। सो आज सुबह सुबह बन रहा है चना। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ आज चने ब्रेकफास्ट में। सो या लेट्स स्टार्ट द कुकिंग फर्स्ट। चने जब अच्छे से फूल जाते हैं ना तो दिखता है कि कौन से चने खराब है, तो इस टाइम मैं उन्हें छांट लेती हूँ, खराब वाले चने निकाल देती हूँ। सो जैसे चना मैं कुकर में ही बनाती हूँ, आप लोगों को पता है ट्रेडिशनल स्टाइल में बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे चने उबाल के। अलग से बनाना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो सबसे पहले मसाले पीस लेती हूँ। बेसिक से मसाले हैं लहसुन प्याज टमाटर मिर्ची, बस इतना ही पड़ेगा। गया है 5:45 और मसाले मेरे भुन रहे हैं, उसके बाद मैं उसमें चना डाल दूंगी। मीनवाइल आई विल स्टार्ट क्लीनिंग, लाइक थोड़े बहुत सोफा वगैरह सेट कर लूंगी। जब तक चना उसमें डाल के मैं सीटी लगाने के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद मैं झाड़ू लगाना स्टार्ट करूंगी। एंड प्लीज अवॉइड माय लुक बिकॉज सो उठ के मैं ऐसे ही हूँ। अभी मैंने फेस भी वॉश नहीं किया है क्योंकि विंटर में ना मतलब पानी छूने में बहुत डर लगता है। मतलब फेस वॉश तो मैं बाद में ही करूंगी। सो हैंड वॉश कर लिया है और लेग वगैरह वॉश कर लिया खाना बनाने से पहले। सो यस, यही सब चल रहा है अभी। सो लेट्स स्टार्ट क्लीनिंग। ओके गाइस, सो मेरा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों बन रहा है। चावल आने के बाद बनाऊंगी या फिर मम्मी डाल देती है क्योंकि गरम गरम चावल अच्छा लगता है। और आज चने चावल हम खाने वाले लंच में, और मॉर्निंग में तो पराठे और चने। एंड मेरी कोशिश रहती है कि घर वालों के उठने से पहले मैं सारा क्लीनिंग कर लूँ। अगर आप मेरे से रिलेट कर पाओगे तो बताना नीचे कि जब घर पे लोग चलते रहते हैं ना और फिर पोछा लगाओ, फिर बार बार गंदा होता है ना, तो बहुत ही इरिटेशन होती है। सो घर में लोग उठने से पहले पोछा वगैरह लग जाए तो बहुत ही शांति मिलती है। सो यहाँ पे देखिए मसाले भुन चुके हैं, अब मैं इसमें डाल दूंगी चना और जब तक ये सीटी लगेगा तब तक बाकी के क्लीनिंग मैं करूँगी। नाउ आई एम टेकिंग माई थायरॉइड मेडिसिन। वैसे मैं उत्ते के साथ ही ले लेती हूँ, बट आज व्लॉगिंग भी कर रही हूँ तो मैं भूल गई। एंड आप लोगों को मैंने पिछले व्लॉग बताया था कि ये कॉपर की बॉटल है, तांबे की बॉटल में आजकल मैं पानी रख के सुबह पीती हूँ, बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। सो आप भी कर सकते हैं, बॉटल का लिंक आपको उस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, मेरे पिछले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर मैं इसमें भी दे दूँगी। और बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, अगर आप नहीं पीते तो आप भी ट्राई कीजिए। सो यस, आई एम टेकिंग माई थायरॉइड
थायराइड मेडिसिन। सो स्वीपिंग मेरा हो गया है एंड अभी जस्ट मैंने अपना थायराइड मेडिसिन भी ले लिया है। वैसे मेरी थायराइड बिल्कुल कंट्रोल में है बट फिर भी मेडिसिन चालू ही है क्योंकि यू नो एक बार अगर आपको थायराइड हो जाए तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो मेडिसिन बंद करना तो आप सात्विक जो होता है ना लाइफ स्टाइल वो अपना सकते हो बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी क्योंकि यू नो घर पे और भी लोग हैं और अपने खाना अलग बनाना बाकी मेंबर्स का खाना अलग बनाना इट्स नॉट पॉसिबल एवरी टाइम। सो अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हो अदरवाइज यू हैव टू टेक द मेडिसिन फॉर लॉन्ग टाइम एंड यस। तो अभी मेडिसिन ले लिया है अब बारी है मोपिंग की। तो बीच बीच में मैं यू नो आटा वगैरह भी लगा ले रही हूँ किचन में हैंड वॉश करके मतलब ऐसे साथ साथ काम करने से ना 7 बजे तक सारा काम फिनिश हो जाता है। उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए। ओके गाइस सो अभी उजाला हो गया आप देख सकते हैं एंड अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सो ठंड अभी नहीं लग रही है क्योंकि घर का काम करते करते ना बॉडी थोड़ी सी वार्म अप हो जाती है और मुझे गर्म पानी से नहाने की आदत नहीं है। गीजर है बाथरूम में बट मैं नहीं यूज़ करती हूँ बिकॉज ठंडे पानी से नहाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप पूरा यू नो एनर्जाइज हो जाते हो और जितनी भी थोड़ी बहुत आलस होती है वो चली जाती है। गर्म पानी से नहाने से ना आपको दिन भर आलस लगा रहता है। गर्म पानी से मैं रात में नहाना पसंद करती हूँ अगर कहीं बाहर से आया थोड़ा सा एग्जर्शन ज़्यादा हुआ है तो नींद अच्छी आती है। अदरवाइज मॉर्निंग में ठंडे पानी से ही नहाना मुझे पसंद है। सो यस मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। ऋत्विन अभी तक सो ही रहा है और मैंने यू नो लाइट ऑन कर दिए हैं और मैं फ़ैन भी ऑफ कर दूंगी क्योंकि इससे ना बच्चों की नींद थोड़ी सी खुल जाती है और बाद में वो आराम से उठ जाता है। अदरवाइज गहरी नींद से उठाने से ना वो चिड़चिड़ा हो जाता है। सो जब तक मैं नहाऊंगी ये 2-3 बार हिल चुका होगा मतलब थोड़ी सी नींद इसकी टूट चुकी होगी क्योंकि ऑब्वियसली लाइट ऑन है फ़ैन ऑफ कर दिया है। और यस फैन ऑन करके ही सोते हैं क्योंकि ये वाइजैक है उतनी ज़्यादा ठंड होती नहीं है बस मॉर्निंग एंड इवनिंग रहती है। ओके गाइस सो मैं नहा चुकी हूँ और मैंने नाइट सूट डाल लिया है क्योंकि अभी पराठे वगैरह भी बनाने हैं और उसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह करने के बाद ही मैं तैयार होती हूँ। और ऋत्विन को अभी उठा रही हूँ सो उसे भी यू नो ब्रश वगैरह करा के रेडी कर दूँ ब्रेकफास्ट करे क्योंकि उसे भी 8:15 तक स्कूल पहुँचना होता है। सो किशो उठ जा बेटा। चना ऑलरेडी बन चुका है पराठे बनाने हैं और ऋत्विन के लिए बनेगा उपमा क्योंकि वो रोटी बहुत लेट से खाता है। सो यस एंड प्रिंस भी उठ गए हैं पूजा कर रहे हैं अभी। सो चलिए मैं पराठे बना लेती हूँ क्योंकि प्रिंस की भी मॉर्निंग ड्यूटी है और उन्हें भी निकलना 8 बजे हमसे पहले वो निकलेंगे और फ्रिज थोड़ा सा मेसी है सो प्लीज अवॉइड। ये रात की सेवई बची हुई है। कल रात को मैंने सेवई बनाया था तो इसे भी फ्रिज से निकाल दे रही हूँ। जिसे भी खाने का मन होगा स्वीट हो खा लेगा। उसे यू नो फ्रेश वगैरह करा चुके हैं और यहाँ पे वो ऋत्विन के लिए उपमा बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत यू नो सपोर्ट की ज़रूरत होती है फैमिली की। सो यहाँ पे प्रिंस काफ़ी हेल्प कर देते हैं मॉर्निंग में अगर उनके पास टाइम होता है तो। सो ये है ऋत्विन का उपमा और हमारी प्लेट एक प्रिंस की एक मेरी मम्मी बाद में खाती है। सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग।
एंड यहाँ पे रितविन के लिए टिफिन भी मैंने बना दिया है। तो ये मेथी के पराठे हैं, थोड़ी सी मेथी रखी हुई थी और सॉस मैंने डाल दिया और चार टुकड़ों में डिवाइड कर दिया ताकि उसे खाने में इजी हो। सो आई एम रेडी एंड आई एम लीविंग नाउ। सो मैं मोबाइल लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है, जमा करना पड़ता है वहाँ पे। सो वैसे भी टाइम नहीं मिलता कि मोबाइल चेक करूँ। सो मैं मोबाइल घर पे ही छोड़ के जाती हूँ। सो सी यू आफ्टर 2 PM। सो यस बाय बाय कर लो। गुड आफ्टरनून। सो आई एम बैक एंड अभी बज रहा है 1:40। आज थोड़ा सा जल्दी आ गई मैं और रितविन नहा रहा है अभी क्योंकि यू नो प्रिंस की भी ड्यूटी है, मॉर्निंग में वो ड्यूटी गया है। तो अगर वो घर पे रहते हैं, उनकी कोई और शिफ्ट रहती है तो वो रितविन को ले आते हैं 12:30 बजे। अदरवाइज वो मेरे साथ ही रहता है क्योंकि मेरी छुट्टी 1:30 होती है। सो अभी वो नहा रहा है क्योंकि यू नो उतना ज्यादा ठंड नहीं है तो मैंने सोचा नहा देती हूँ, फ्रेश लगता है ना तो फिर अच्छे से खाना खाता है एंड फिर सोता है। हाँ बेटा ठीक है ओके। सो मैं चेंज कर लेती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, सो हमारा लंच हो गया है एंड लंच में मैंने बताया था आपको मॉर्निंग में ही चने बनाए थे मैंने और मम्मी ने चावल बना दिया था। तो चने चावल हम लोगों ने खा लिया है। थोड़ा सा मैंने रायता भी बनाया था, बूंदी का रायता और सैलेड था। सो यहाँ पे मैं कर रही हूँ किचन क्लीन। तो किचन क्लीन करके यू नो थोड़ी देर मैं आफ्टरनून नैप लेती हूँ ताकि उठूँ तो किचन क्लीन हो और अच्छे से यू नो चाय वगैरह डिनर वगैरह बनाने में मन लगे। सो यस, यहाँ पे मैं किचन वगैरह क्लीन कर रही हूँ। एंड और एक बात मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि यू नो अगर आप जब भी खाना बनाते हो तब आप यू नो हर टाइम आप किचन क्लीन करते हो, बेसिन क्लीन करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। अगर आप एक ही बार नाइट में क्लीन करोगे ना तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है। और यहाँ पे रितविन आ गया है और वो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, वो बोल रहा है कि वो बर्तन धुलेगा। सो यस ही इज़ ही वॉन्टेड टू हेल्प मी बट अभी छोटा है। सो यस गाइस, सो यहाँ पे मम्मी कर रही है पूजा, शाम की पूजा। और ये जो आप फुटेज देख रहे हैं ये मेरे हस्बैंड ब्लॉग कर रहे हैं। सो मैं एक्चुअली सो रही थी रितविन के साथ तो उन्होंने ये क्लिप ले लिया क्योंकि उन्हें पता था आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, 6:45 ही पूरा अंधेरा हो जाता है विंटर में। और ये भी देखिए, ये भी उनकी नींद पूरी नहीं हो रही है। पूरा हुआ गाइस। सो टाइम हो गया चाय का एंड सुबह जो मैंने चना बनाया था ना वो बच गया था थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चाट बना देते हैं। सो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अनियन ऊपर से फ्रेश कटा हुआ एंड इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ दही। दही में मैंने मसाले डाले हैं लाइक लाल मिर्च, चाट मसाला, काला नमक वगैरह। और मम्मी शाम को दही नहीं लेती है तो उनका प्लेन बना रही हूँ और ऊपर से मैंने नमकीन डाल दिया है। सो ये है आज का हमारा स्नैक विथ चाय। हेलो गाइस,
गाइस, तो हमारा चाय वगैरह हो गया है और चना मैंने सुबह बनाया था ना वो बचा हुआ था, तो उसका चाट बना लिया हम लोगों ने। सो हेवी सा स्नैक हो गया है आज, तो रात में कुछ लाइट बनाएंगे। लाइट क्या मतलब, रोटी सब्जी बनेगा बट थोड़ा कुछ फ्राई वगैरह बनाएंगे, मसालेदार कुछ नहीं बनाएंगे। एंड यस, सो होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का ये व्लॉग यहीं तक रखती हूँ मैं। एंड कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, सो स्टे सेफ एंड अगेन थोड़ा मास्क एंड सैनिटाइजर पे ध्यान दीजिए सब लोग। अभी घर आपको शांति लग रहा होगा क्योंकि रितविन गया है बाहर खेलने के लिए, प्रिंस रितविन, और मम्मी भी गई है थोड़ा सा पार्क ऐसे टहलने के लिए, क्योंकि निकलती नहीं है ना कहीं, तो उनको भी अजीब लगता होगा। और यस दैट्स इट। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों को कमेंट्स पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। तो चलिए बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।